हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद कुमारी। सात्विक रसोई की एक और कुकिंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने यहां पर बनाई है तुरई की सब्जी। कहीं कहीं इसको तुरई कहा जाता है, कहीं कहीं इसको तोरी कहा जाता है, हमारे यहां इसको तोरी कहा जाता है। और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी होती है और बहुत ही कम मसालों में इसको बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि मैंने इस सब्जी को कैसे बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तोरी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो तोरी ली है, और मसालों में मैंने लिया है 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 3 से 4 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पर मैंने ली है 1 छोटी चम्मच चीनी की, और यहाँ पर मैंने लिया है स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ी सी जाएगी इसके बीच में हींग। अब हम तोरी को कट कर लेंगे। तो तोरी को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, तो अभी हम इसको ऊपर और नीचे से इस तरीके से कट करेंगे। और तोरी अगर आपकी बहुत सॉफ्ट है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, नहीं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड होता है, तो यहाँ से हम हल्का हल्का इससे पील कर लेंगे। और जो बीच का पोर्शन है उसको अच्छे से रगड़ लेंगे इस तरीके से। ये पोर्शन मैंने हार्ड वाला जो है वो पील कर लिया, और बीच वाला हम चाकू के साथ अच्छे से रगड़ लेंगे। बीच में से सॉफ्ट है, तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी तोरी को पील कर लूंगी। ये देखिए, और पील करने के बाद एक बार फिर से मैं इसको वॉश करूंगी। तोरी को अच्छे से पील करके मैंने वॉश कर लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। कट आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो मैं ये तरीका बता रही हूँ आपको, इस तरीके से करते जाओ और ऐसे ऐसे कट करते जाओ। और ऐसे रख के इकट्ठा इसको इस तरीके से जल्दी जल्दी कट कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी तोरी को कट कर लूंगी। ऐसे भी बहुत जल्दी सब्जी जो है वो कट की जा सकती है। तो अभी तड़का पाट करने के लिए यहाँ पर मैंने शिशु की वॉक ले ली है, और गैस को भी मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके बीच में डालेंगे हम ऑयल। आपकी मर्जी, आपको देसी घी में बनानी है देसी घी में बना सकते हो, लेकिन मैं इसको सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी मैं डालूंगी इसके बीच में ऑयल, 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको पकने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना, साबुत धनिया, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, और अदरक को हम कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे आप कट कर लो या कद्दूकस कर लो, आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही हूँ इसको, ये मैंने ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया।
इसके साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर, और अब हम डाल देंगे इसके बीच में कटी हुई तोरी। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसके बीच में स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और ये थोड़ी सी इसके बीच में डालूंगी मैं चीनी, क्योंकि चीनी अगर आप अवॉइड करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन आपका ये जो चीनी वाला स्वाद है ये प्याज से पूरा हो जाता है। मेरे घर में जैसे लहसुन प्याज यूज नहीं होता, तो प्याज वाली जो मिठास है वो ये एक छोटी चम्मच चीनी से पूरी होती है, लेकिन ये सब्जी मीठी नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि चीनी डालने से मीठी हो जाएगी, हाँ वो बैलेंस हो जाएगी। जो प्याज नहीं डाला उसकी जगह ये चीनी जो है वो उसको बैलेंस करेगी इसके टेस्ट को। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी सब्जी को मिला दिया है, और ये थोड़ा सा हींग डालना मैं अभी भूल गई, तो हींग आप यहाँ पर अभी भी डाल सकते हो। बस इसको अब हम अच्छे से ढक्कन लगा के पकने देंगे, और जैसे शिशु की वॉक है तो इसमें हम 100 तक सिम आंच के ऊपर पकाएंगे। और अगर आपके पास नॉर्मल कढ़ाई है तो आप इसको बीच बीच में हिला हिला के इसको 2-4 बार हिला के इसको पका सकते हैं। तो अभी मैं ये इसको ढक दूंगी, और आंच को मैंने सिम कर दिया है, और 100 तक जाने की हम वेट करेंगे। अब ये 20 के आसपास खड़ी है नीडल, जैसे 100 पे जाएगी हम लिड को ओपन कर देंगे। तो देखिए हमारी जो वॉक है उसकी जो नीडल है वो 100 तक जा चुकी है, और अब हम इसको वेटिंग टाइम नहीं देंगे, साथ के साथ जैसे 100 पे जाएगी हम इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि तोरी की सब्जी जो है बहुत जल्दी गल जाती है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन में ही इसको कुक करेंगे। तो ये मैंने ओपन कर दिया, और गैस को मैं थोड़ा सा हाई कर लूंगी, सिम से थोड़ा मैंने इसको मीडियम कर लिया है, और मीडियम आंच के ऊपर इसको हम अब पकने देंगे। जो भी इसका पानी जैसे है इसके बीच में थोड़ा सा इसको सुखा लेंगे, बहुत ज़्यादा सूखी भी अच्छी नहीं लगती है। हाँ सब्जी हमारी गल चुकी है, लेकिन ओपन में इसको 3-4 मिनट तक जब भूनेंगे ना तो सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अभी जो मसाले मेरे रह गए थे वो इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं डालूंगी इसके बीच में धनिया पाउडर, और साथ में डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसको ओपन में ही पकाएंगे। तीन से चार मिनट मैंने इसको ओपन में कुक कर लिया है, और अब हमारी जो सब्जी है बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बीच में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, और गैस को मैं कर दूंगी बंद। अब हम इसको डालेंगे सर्विंग बाउल में। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और कम मसालों में बनाई जाने वाली तोरी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसको आप चपाती, परांठा, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। मुझे तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मेरे घर में ये हर हफ्ते में बनती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अब एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।